बैक टू आर चिमकांडीज चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। तो आज आपको हमारे कुछ व्यू अलग सा दिख रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है अलग सा, सुंदर सुंदर वादी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हम, ये हसी वादी। हेलो, बोलो तो बताएंगे आप कहाँ आए हम। तो आज आए हैं हम लगवैली, लगवैली में एक गांव है भुट्टी, और भुट्टी में हमारे ब्रह्मभोज करने बाकी हैं, डिस्कशन चलिए इनसे भी मिलाएंगे। गाइस हमारा ना सडन प्लान बन गया, मतलब कि हाँ ऐसा, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा है देवता की, देवता है कि माता है, यहाँ देवता ना प्रतिष्ठा है, तब आए हम यहाँ पर खाना खाने, और यहाँ पर भुट्टी गाँव भी दिखाई, दर्शन करने आए हम। हाँ, देवते के दर्शन करने, दर्शन करने आए हम, फिर सोचा हम चलो प्रसाद भी खा ही लेंगे, है ना। लाइब्रेरी आए थे पढ़ने, मेन तो वही लाइब्रेरी में। चलिए सुषमा से, हेलो सुषमा, हाय हाय, सुषमा भी हमारे साथ, और यहाँ पर आगे दिव्या, आगे भानुप्रिया, आगे कृतिका, ये बुट्टी से ही है कृतिका जो सबसे आगे है, हाँ ये ले जा रहे हैं, हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे अमन भैया, अमन भैया, वैसे मैं भैया नहीं आपको बोलती हूँ, ये बोलते सारे, मैं नहीं बोलती हूँ, बोलो मेरे को चका किया लाइव से सीधा, इनके द्वारा इनको किडनैप किया है अंकिता के द्वारा। और अभी हम जाएंगे परे खाना खाने, देवता का प्रसाद ग्रहण करने जाएंगे अब, और यहाँ पर आपको व्यू दिखाएंगे भुट्टी गांव का, जो बहुत ही प्यारा गांव है लगवैली का, लगवैली में बहुत प्यारे प्यारे गांव है सारे, दिखाते हैं भुट्टी गांव का व्यू। देखिए यहाँ पर थोड़े से घर यहाँ पर है, बाकी पूरा प्लेन एरिया, यहाँ पर भी थोड़े पूरे गांव, और यहाँ पर भी गांव, और जो मंदिर की प्रतिष्ठा है वो है यहाँ पर है मंदिर, एक मिनट ज़रा जूम करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर आपको मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ पर है मंदिर, छोटा सा थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी यहाँ देखिए इतना अच्छा गांव, इतना अच्छा व्यू, प्लेन एरिया पूरी तरह से, और बहुत ही सुंदर गांव, और यहाँ के खेत भी बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर। तो अभी चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं मंदिर के दर्शन करने जाना, तो अभी हम चले हैं लाइन में। और यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के, ताकि यहाँ पर आपको मंदिर दिखेगा बाद में, पता नहीं यहाँ से जगह होगी वीडियो बनाने के लिए या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको दिखाते जाएंगे देवता का मंदिर। तो दोस्तों आज आए हम भुट्टी लगवैली, तो यहाँ है नए मंदिर की प्रतिष्ठा, जो कि मंदिर है ये है क्षेत्रपाल का देवता, और मतलब जो बोलते हैं मॉड, वो यहाँ अंदर है देवता का, और जो देवता है वो बैठे हैं परे, देवता ब्लार थान, देवता क्षेत्रपाल थान भुट्टी, माता पता नहीं माता काली, और एक टिमक थान, एक शालमु थान, और पांचों देवता बैठे हैं परे बाहर, वो दर्शन दे रहे हैं सबको, और मंदिर है ये वाला। तो यहाँ से हमारे चुनरी मिली है, और देखो मेरे आ रही है अमन भाई को, अमन भाई को, क्योंकि अमन भाई सदा ही भक्त है, मैं भूल गया सर, बीच में मिल ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, जो हमें हमेशा धोखा देते हैं, और कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, हमेशा धोखा देते हैं हमें, देखिए गौर देखिए। हमारा फोटोशूट खत्म नहीं होता अभी तक, हम फोटो ही ले रहे थे, और यहाँ से थोड़ा सा दिखा लेती हूँ मंदिर को आपको, क्षेत्रपाल थान का मंदिर, और यहाँ पर आपको सुषमा जी ने डिटेल में बताया है। और देखिए गाइस आपको बहुत सारे खिलौने भी मिलेंगे, सॉरी खिलौनों की दुकान है यहाँ पर लगी हुई, और जलेबियों की दुकान भी है। स्कूल देखिए यहाँ पर भुट्टी स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है यहाँ पर लगवैली में, ये भी बहुत सारे बच्चे भुट्टी स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड स्कूल है ये, हाँ सुषमा का स्कूल यहाँ पर सामने। यहाँ पर देखिए जलेबी की दुकान, पकौड़े, शक्करपाल बोलते हैं, लेंगे हाँ। इतना कहाँ खाना, इतना नहीं खाया जाएगा, अभी चाय पीने जाना, हाँ कोई नहीं खाएंगे। स्कूल का यहाँ से एंट्री गेट पर स्कूल नहीं दिखेगा गाइस, सॉरी। यहाँ कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण, और ये है स्कूल का वेबसाइट, अभी चलते हैं। पेड़ है यहाँ तो बहुत सारे, और लहसुन तो इतनी बीजी है ना, इतने अमीर होने यहाँ के गांव के लोग, आगे है कृतिका इनके घर जाएंगे अब चाय पीने, इतना सुंदर गांव है, इतना सुंदर, देखो प्लेन, यहाँ देखिए सेब के ही पेड़ है यहाँ पर, और ये सेब की अलग ही वैरायटी है कुछ, देवता के यहाँ से तो सारे, चलो चलो जापानी के फल
सॉरी पेड़ सुषमा इस सेब की वैरायटी का नाम मुझे नहीं पता कृतिका कौन पता गाला गाला समझ लो ऐसा ही। हम कृतिका के वहाँ आए हैं और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। इतना प्लेन इलाका, ये पूरा बुट्टी यहाँ से लेकर और ये वाला गांव और ये वाला और यहाँ से कुछ एक घर, इतना सुंदर व्यू, इतना प्लेन। ये है मंदिर परे सामने पेड़ के साथ ही स्कूल भी है साथ में, ये वाला बस इतना सुंदर। यहाँ पर आ गए हैं कृतिका के घर में और रेस्ट कर रहे हैं, बस चाय पियेंगे यहाँ पर है। दोबारा दोबारा एक बार दोबारा गाइस, पहले हम नहीं आ रहे थे, मतलब प्लान नहीं बन रहा था, मतलब मेरे को तो सुबह ही लगा पता था ऐसा कुछ प्लान है। अब पुष्पा को अच्छा लगा यहाँ आके, हाँ तो अच्छा, अब इसने यहाँ से मन नहीं कर रहा जाने का। अच्छा क्या करके परियोगिता ने मिस कर दिया, सॉरी योगिता, इतनी अच्छी जगह को ना देख पाए, क्या करें अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, हाँ नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे योगिता को भी। सब्सक्राइबर भी मिल गए, हेलो यार जहाँ भी जहाँ वहाँ मिल ही जाते हैं सब्सक्राइबर, क्या करना इतनी पहचान है। अरे वो दोस्त चले गए, हम दो जा रहे हैं मिलने, दूसरे दोस्त के यहाँ मिलने, तीसरे दोस्त के यहाँ भी जाना है। हाँ सुषमा का यहाँ पर स्कूल भी है और दोस्त भी है यहाँ पर बहुत सारे, तो सबसे मिलना है यहाँ करके, तो अभी जाएंगे हम मिलने चीज के लिए आए थे। अभी हम खाएंगे दोस्तों देवता की धाम, हाँ मतलब मीठी धाम ही बनी है, मीट वाली धाम ही बनी है, जिसकी जो इच्छा है वो नॉन वेज और वेज की साइड बनी है, वेज वाली और नॉन वेज बनी है, और बाकी सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर भी और इस साइड को भी बहुत सारे बैठे हुए। कोशिश करेंगे, सॉरी विशाल भैया, अंशुल, जया आप नहीं आ सकते, अगली बार लाएंगे आपको, हाँ इसी गांव को दिखाने के लिए, और शिवदी को तब जब वो कुल्लू आएंगे, हाँ शिवदी जल्दी आना कुल्लू। गाइस देखिए सबकी प्लेट खाली हो चुकी है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा फेंका है क्योंकि मेरे को आदत है फेंकने की। अब हो गए, संतुष्टि मिल गई, संतुष्टि मिली, रच गए रच गए, इतनी दूर से सुनाई दे रहा है ये राह मंदिर। अभी हम यहाँ से जाएंगे, बाय बाय करो तब, अभी तो मिलेगी नीचे भी, हाँ अभी हम जाएंगे। अंकिता अंकिता दाम में किस चीज की कमी पड़ी, ब्लाउ किसको बोलते हैं, मीठा मीठा, हाँ बदाने का मीठा ये बोलते हैं प्लाउ उसको, तुम समझते ब्रंज को प्लाउ, हाँ हम बोलते हैं ब्रंज को, मतलब बाकी थी बहुत अच्छी ना, हाँ मेरे को जो जिस चीज की वो प्लाउ मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी ना, सही बोल रही अच्छी थी बहुत अच्छी, पर उसकी कमी पड़ गई मेरे को, वही वो लगती है कि जहाँ प्लाउ बनाओ ना मीठा बदाने का मीठा, लोग मुझे इनवाइट करेंगे ना, हाँ उसमें प्लाउ जरूर होना चाहिए, चाहे किसी के घर में जाए चाहे कहीं जाए। हाँ के दोस्त भी मिल गए, हेलो हेलो करो, तू सलाइवा बोल लिया, शर्मा गई। और फ्रेंड मिल गई है कॉलेज टाइम की, हाय गाइस, हेलो गाइस, चलो गाइस अब दूसरी फ्रेंड के वहाँ आए थे, तन्वी के वहाँ, अभी बस चलेंगे यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि मैंने घर भी जाना है, इन्होंने तो कुल्लू में ही रहना है, तो भी रह जाए कुल्लू में, ना जी ना मेरे को बोला घर में कि घर को जाना है। अभी हम फिर से शीतल माता के मंदिर पहुंच गए हैं और अभी अपने दोस्तों को करते बाय बाय, तूने अभी क्या बाय बाय, चल नहीं मैं घर अब, बाय बाय करो, बाय गाइस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, कांडी के ब्लॉग को जरूर देखें और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी ब्लॉग्स को लाइक शेयर और कमेंट, अच्छा जी कमेंट आने चाहिए ना।